तो गाइस सैमसंग M34 में 23rd ऑफ अक्टूबर 2024 को एक अपडेट रोल आउट हुआ था। ये एक सिक्योरिटी लेवल का अपडेट है। अगर आपके पास F34 डिवाइस भी है तो उसमें भी अपडेट आ चुका है और ये वीडियो आप उसके लिए भी रेफरेंस में यूज कर सकते हो क्योंकि चीजें ऑलमोस्ट सेम है। तो सबसे पहले आप भी यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाओ, सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके सॉफ्टवेयर अपडेट चेक करोगे तो आपको भी अपडेट देखने को मिल जाएगा। M34, F34 दोनों में ही अपडेट आ चुका है। यहाँ पे अगर आप इसका साइज देखते हो तो 270 MB के अप्रॉक्सीमेटली है। वहीं पे इसमें जो सिक्योरिटी पैच लेवल है वो लेटेस्ट 1st ऑफ अक्टूबर 2024 का कर दिया गया है और ये फोन बिल्कुल अपनी अपडेट पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हम लोग एंटूटू स्कोर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप इसका पहले वाला एंटूटू स्कोर देखो, मैं दोनों स्क्रीनशॉट लगा दूंगा बिफोर एंड आफ्टर। यहाँ पे लगभग ज्यादा डिक्रीज कुछ नहीं हुआ है एंटूटू स्कोर, ना ही इंक्रीमेंट हुआ है, थोड़ा बहुत 3-4 हज़ार कम हुआ है, बट उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि हर बार एंटूटू स्कोर आप टेस्ट करो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही आता है। साथ ही में अगर आप स्टोरेज स्कोर्स को देखो तो लगभग ऑलमोस्ट सेम है, वही 24-25 हज़ार के निकल के आ रहे हैं। साथ ही में दोस्तों गीगबेंच स्कोर्स में भी थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉप हुआ है। अगर आप मल्टी कोर को देखते हो तो यहाँ पे 1900 के पुराने स्कोर्स थे, वहीं पे अभी जो लेटेस्ट स्कोर्स हैं आफ्टर अपडेट वो लगभग यहाँ पे 1750 के अराउंड के हैं। बाकी सिंगल कोर में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, थोड़ा बहुत हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, बट मैंने मल्टी कोर में मैसिव थोड़ा सा नोटिस किया है डिफरेंस। बाकी दोस्तों अपडेट के बाद मैंने इसमें थोड़े से गेम भी खेल के देखा, गेमिंग परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पे अच्छी लगी। बाकी एंटूटू स्कोर में भी कोई मेजर ड्रॉप नहीं हुआ था तो गेमिंग काफ़ी ठीक निकल के आ रही है। साथ ही में अगर हीटिंग की बात करें तो हीटिंग मैंने देखा कि मॉडरेट हो रही है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत यहाँ पे कम हो रही है। जितना हीटिंग हो रही थी बिफोर अपडेट वैसे ही यहाँ पे रिजल्ट्स नोटिस हो रहे हैं, बट फिर भी इसमें गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। बाकी अगर हम लोग मल्टीटास्किंग की बात करें तो उसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नोटिस नहीं हुई, काफ़ी अच्छे से सारे ऐप्स ओपन और क्लोज हो रहे हैं। बाकी आप चाहो तो मल्टीपल ऐप्स को रन कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे UI परफॉर्मेंस भी देखते हो तो इसमें भी कोई भी डिक्रीमेंट नहीं हुआ है और अपडेट ने ओवरऑल काफी ठीक यहाँ पे परफॉर्म किया है। साथ ही में दोस्तों इंस्टाग्राम पे किसी ने मुझे मैसेज किया था कि इस अपडेट को आने के बाद उनके फोन में कुछ लैग्स हुए थे, तो मैंने एक दो दिन बाद फिर फॉलोअप लिया और पूछा कि क्या प्रॉब्लम है या फिर नहीं, तो उन्होंने कहा आप सॉल्व हो गई है। तो देखिए अपडेट आने के तुरंत बाद अगर आप देखोगे तो मे बी थोड़ा सा फोन ऑप्टिमाइजेशन में टाइम लेता है, हल्का फुल्का आपको लैगिनेस फील हो सकती है। तो अगर आप फोन को एक दिन मैक्सिमम दोगे, एक या दो दिन, तो फोन स्टेबल हो जाता है कोई किसी भी अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद में। साथ ही में दोस्तों अगर बैटरी बैकअप की बात करते हैं तो वो भी मुझे काफी स्टेबल लगा है, ना ही कोई डिक्रीमेंट हुआ है और ना ही कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। तो अच्छी बात है, चलो इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन डिक्रीमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब अननेसेसरी बैटरी नहीं होना चाहिए, और वैसा इस फोन में मैंने नोटिस किया है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लगभग 1.5 साल हो गया है इस फोन को, तो 5G पे इसमें काफ़ी ज़्यादा बैटरी ड्रेन होता था पिछले साल, बट अभी आप करेंटली देखोगे तो अपडेट के बाद काफ़ी हद तक ये वाली प्रॉब्लम पे सैमसंग ने काम किया है और 5G के बाद बैटरी ड्रेन काफ़ी कम हो गया है। क्योंकि अभी ये जो सेल आई थी BBD सेल, GIF सेल, इसमें भी काफ़ी लोगों ने इस फ़ोन को परचेज़ किया है, तो उनको भी आगे आने वाले समय में अपडेट्स में ये इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलती रहेंगी और अपडेट्स टाइमली उनको मिलेंगे। दोस्तों इस फोन की मैं अपडेट पॉलिसी भी आपको बता देता हूं। यहां पे देखिए ये फोन एंड्रॉइड 13 के साथ आया था आउट ऑफ द बॉक्स, एंड्रॉइड 14 इसमें आ चुका है और अब इसमें एंड्रॉइड 15, 16 और 17 आएगा। मतलब 3 साल तक तो आराम से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको अपडेट मिलते रहेंगे। साथ ही में ये एक एम सीरीज का फोन है, तो आपको आप समझिए कि हर 3 महीने में सैमसंग एक छोटा अपडेट तो रोल आउट कर ही देगा सिक्योरिटी के लिए। बाकी अगर बीच में कोई और प्रॉब्लम आती है तो सैमसंग उसके लिए भी अपडेट रोल आउट कर देता है। वहीं पे अगर हम लोग नेटवर्क टेस्ट की बात करें, मैंने ओकला पे वो भी परफॉर्म करके देखा, नेटवर्क रिलेटेड मुझे ओवरऑल कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं लगी, काफ़ी स्टेबल नेटवर्क्स आ रहे थे और ओकला पे स्पीड टेस्ट में भी रिजल्ट्स अच्छे मैंने नोटिस किए। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ, देखिए जब आप फोन को अपडेट करते हो तो एक ऐप को रन जरूर कर लिया करो। यहाँ पे जब आप फाइन लॉक में जाओगे तो गैलेक्सी ऐप बूस्टर यहाँ पे है, इसको रन कर लिया करो क्योंकि कुछ जंक फाइल्स रह जाती हैं पिछले वाले अपडेट की, तो वो भी क्लियर हो जाती हैं। साथ ही में ऐप्स में एक बढ़िया स्मूथनेस आ जाती है, यहाँ पे कोई फालतू फालतू की चीज़ आपके डिवाइस में नहीं बचती है जब आप इसको रन कर लेते हो। तो गैलेक्सी ऐप बूस्टर में जाके सिंपली इसको रन कर लेना, 15-20 मिनट का टाइम लगेगा और फोन आपका काफ़ी फ्रेश हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ हैवीनेस या लैगिनेस फील होती है डिवाइस में आफ्टर अपडेट, तो इससे इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। बाकी दोस्तों अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे रखी है, डायरेक्टली आप मुझे DM करो, विद इन 24 आवर्स के अंदर मैं रिप्लाई कर देता हूँ जनरली सभी लोगों को यहाँ पे। बाकी काफ़ी लोग वहाँ पे भी उनसे बातचीत कर लेते हैं अगर उनको डिवाइस के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो चलिए दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। आपके लिए नमस्कार।